अभिभावकगण, बालक और बालिकाओं, ये संस्था जब प्रारंभ हुई थी 2014 में, उस रोज भी मैं उपस्थित हुआ था और आज यहाँ संस्था के इस विकास को देखकर ये मुझे याद आता है कि आदमी जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है वो पहुंच सकता है और वो उसका प्रयास है कि वो किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। मैं यहाँ आपको दो एक बात कहना चाहूंगा। पहले जब माँ बाप बच्चे को नहीं पढ़ाया करते थे तो उनको बुरा कहा करते थे, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठते ने सोपते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, ये कहा करते थे। लेकिन आज वो माँ बाप आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए अपना हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात मेरा लाल उस ऊंचे शिखर पर पहुंचे, लेकिन वो पहुंचने का मादा किसमें है, वो सब आप में है। क्यों कि जब हमारी माँ ने हमें जन्म दिया था तो उसके अरमान थे कि मैं ऐसे पुत्र को या पुत्री को जन्म दूं जो आगे जाकर के खुद का नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का नाम उज्जवल करे। और इसलिए उसने कहा था कि सैनी सबरी हो सकी दो उल्टी दा, सैनी सकी हो सकी दो उल्टी दा, दूध लजाने पूछम ओड़े लजाने ना, हे सकी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन दूध को लज्जित करने वाला बेटा और चूड़े को लज्जित करने वाला पति मुझे बर्दाश्त नहीं। अब ये बात जो है आपको अर्थात विद्यार्थियों को और बालिकाओं को सोचना चाहिए कि हमारी माँ के जो अरमान थे उन अरमानों को हम कितना पूरा कर रहे हैं, उन अरमानों को हम कितना पूरा कर रहे हैं ये उन पर निर्भर करता है। और वो निर्भर कब करता है कि जीवन में समस्याएं आती हैं लेकिन उन समस्याओं को समस्या न समझ करके एक तरह से एक कार्य समझ करके उनसे जूझना चाहिए। और शायद आपने पढ़ा हो तो श्री कृष्ण के दूत कार्य में स्पष्ट कहा था कि कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, कम ठोक ठेलता है जमदर पर्वत के जाते पांव कट। अर्थात जब मेहनत करता है आदमी तो पहाड़ को भी अठा देता है। कहने का मतलब पर कब है कि मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का आहार, जब हार पिरोए जाते हैं तो उनको गले लगाए जाते हैं। पर क्या है कि जब तक हम प्रयास नहीं करें, क्योंकि कवि ने अंत में कहा था कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है, जब हम प्रयास नहीं करेंगे तो वहां पहुंच नहीं पाते। और इसके लिए मैं तो मातृशक्ति को सबसे बड़ा प्रेरक मानता हूं कि जब जब भी आदमी अपने पद से विचलित हुआ है तो मातृशक्ति ने उसको इंगित किया है कि यह रास्ता ठीक नहीं है। और शायद उदाहरण आपने शेखावट के वीरों का था कि डरपोक पति युद्ध से बक्के घर आ गया तो पत्नी को बहुत बुरा लगा तो उसने कहा कि कंत बलागर आविया पैरी जय मोबेस, कंत बलागर आविया पैरी जय मोबेस अवधन लाजी चूड़ियां भवदूजे बेटेस। आपने एक राजपूत बाला की चूड़ियों को लज्जित किया है, अब मैं जनाना वस्त्र त्याग करके मर्दाना वेश धारण करके युद्ध में जाऊंगी और वीर गति को प्राप्त होंगी। अर्थात मेरी और आपकी मिलन अब दूसरे लोक में संभव हो। तो कहने का मतलब है कि माँ हमारी सबसे पहली गुरु है। जैसे संस्कार माँ हमारे बच्चों में डाल देती है वो आजीवन उसके काम आते हैं। और उसके अनेक उदाहरण जो है कि जो माँ के परम भक्त रहे हैं, सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ नहीं मिल सकती, सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ नहीं मिल सकती। और माँ कब मिलती है, जब हम 84 लाख योनियों में चक्र काटते हुए वहां शुभ कर्म करते हैं तब जाकर के हमें ये मानव जन्म मिलता है। और इसीलिए तुलसीदास ने स्पष्ट कहा था बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवताओं को भी ये मिलना बड़ा मुश्किल है जो हमें मिल रहा है। लेकिन वो कब कि 84 लाख योनियों में हमने कितने कर्म किए और अच्छे कर्म करने के बाद इस स्थिति में आए और अब जो हम कर रहे हैं उनका आने वाले समय में हमें लाभ मिलेगा। तो सावन इंस्टीट्यूट ने जो प्रगति की है उसे मेरा हृदय गदगद है, क्योंकि ये बालक हमारे क्षेत्र का है, हमारे गांव का है। इस बात की प्रसन्नता है कि जिस ध्येय को लेकर आगे बढ़ा था वो आगे बढ़ रहा है। और मैं आप लोगों से पुरजोर ये आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे बड़े संस्थाओं में, क्योंकि मैं बहुत बड़ी संस्था में 40 साल तक रहा हूं जहां देश के सभी देश के पारे प्राय हरे प्रांत के बच्चे पढ़े हैं, कालाडरा का आपने नाम सुना होगा, जहां मैंने 40 सेवाएं दी हैं और जहां पर मिनिस्टर भी मिलेंगे, आईएएस भी आईपीएस भी सारे मिलेंगे। लेकिन
वो सब करामात की है कि उनके माँ के संस्कार, उनके गुरुओं के संस्कार, उनके पेरेंट्स के संस्कार। तो आज्ञा पालक होकर के आप उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण दिया आज कि यहाँ का एक बालक जो फॉरेन में सेवा दे रहा है, इसके कई उदाहरण डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शर्मा मोरिया के रहने वाले हैं, जो अमेरिका में अभी एक यूनिट के हेड हैं। तो अभी किसी काम से एक शादी में आए थे, तो उन्होंने ये बताया कि गुरुजी मैं केवल अमेरिका में नहीं हूँ, कि हमारा बेंगलोर में एक सेमिनार था जिसमें जापान, पाकिस्तान और रशिया, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे भारत के बच्चे। अर्थात IQ जो हमारी बुद्धि लब्धि जो है वो भारत की अन्य राष्ट्रों से ज्यादा। राशि दोनों की एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है, लेकिन उनके कर्मों के कारण एक की हम पूजा करते हैं और एक को आप बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपसे मेरा यही आग्रह है कि अच्छा और बुरा बनना ये सब आप पर निर्भर करता है। और एक निश्चय करने आप आगे बढ़े तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको रोक सके। और शायद ये भी है कि हमने जब मानव जन्म पाया है वो केवल यहाँ पेट पालने के नहीं आए, क्या पेट पाल लिया, सो गए, मस्ती आराम से गुजार लिया। और कई उन्होंने ऐसा देखा कि बाप दादों की या पुरखों की जो संपत्ति थी उसको भी उन्होंने बट्टे लगा दिया, उनको भी बट्टे लगा दिया। पर हमें क्या करना चाहिए कि हम नहीं पैदा हुए हैं पेट भरने के लिए, आए हैं इस जगत में नाम करने के लिए, आए इस जगत में नाम करने के लिए। वो कब के बुझ दिल की कम हिम्मती हमको जगड़ सकते ही, आए हैं संसार सागर में विचरने के लिए। इसके लिए आपका लक्ष्य माँ बाप का आशीर्वाद और वृद्धजनों का आशीर्वाद, ये फलता फूलता है। इसको लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है मैं समझता हूँ वो कभी पीछे नहीं रहता। उदाहरण देता हूँ, हमारे भारत सरकार में दो भारत सरकार मंत्री महादेव सिंह जी, हमारे 63 में वहाँ के विद्यार्थी कुंवर से, और उस आदमी ने इतनी प्रगति की वहाँ मिनिस्टर बने। ऐसे ही राजस्थान गवर्नमेंट में डॉक्टर चंद्रभान साइंस का विद्यार्थी 67 में था, नेटोरिस्ट था, लेकिन गुरुओं का बड़ा आज्ञा पालक था। परिणाम है आज वो व्यक्ति एक ऐसे केस में फंसा जहां उसको यात्राएं भुगतनी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी आज जिस ऊंचाई को छू सका है उसका कारण है उस खुद का प्रयास और बड़ी आत्माओं का उसका आशीर्वाद। तो मैं पुनः इस इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं, महेश है, उनकी पत्नी है, उनको अपनी ओर से भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ कि आप दिन दोनी और रात चौगुनी करेंगे। लेकिन यही याद रखिए कि केवल सेवा भाव से कार्य करें, न कि आप इस तरह से कि उन बच्चों का शोषण करें, क्योंकि शोषण यदि बच्चों का करेंगे तो बच्चे आपसे कट जाएंगे। दूसरी बात है, आज मैं जब 98-99 भारतीय संघर्ष अकेडमी में इस प्रिंसिपल हुआ करता था तो शायद यहाँ गिनी चुनी संस्थाएं थी। रतन सिंह जी पिलाणिया कभी कभी शाम को मेरे पास आया करते थे तो चर्चा किया करते थे कि सब दुकानें खुल गई। लेकिन आज सीकर जो है कितना आगे बढ़ गया, ये इसी बात का प्रतीक है कि हम सब सजग हैं, हम सब जगे हुए हैं, जागृत हैं। और जो जगता है वो उस मंजिल को पहुंच पाता है, क्यों सोता है, सोए का सोया रहता है, पड़े हुए का भाग्य पड़ा, और जो चल पड़ा उसका भाग्य भी चल पड़ता है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ करके, जैसे एक गुजर नहीं गया, कई विद्यार्थी बाहर जाकर आपकी सेवा करें। ये भी जरूरी है कि आज वैज्ञानिक युग है, पुराना समय दूसरा था, आज विज्ञान के बिना चल नहीं सकता। मैं कई बार इस मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर पाता हूं, छोटे बच्चे तुरंत कर देते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि इस कंप्यूटर युग से आप जुड़े, जुड़ करके जो ऊंची से ऊंची उपलब्धि प्राप्त कर सके उसको करें। मेरा आपसे यही आग्रह है और आशा करता हूं कि आप जीवन में दिन दूनी और ऊपर जिसका अंत नहीं, हिस्से में माँ आई। कुछ ऐसा ही संदेश संस्कारों से लबरेज उद्बोधन दिया हमारे परम सम्मानीय विशिष्ट अतिथि आज के इस समारोह के, श्रीमान अर्जुन लाल जी जांगिड़ साहब ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे निश्चित रूप से आपके इस ओजस्वी भाषण से, इस ओजस्वी उद्बोधन से प्रेरणा ले सकेंगे। लीजिए कार्यक्रम को।